I'm just leaving from Nishaa Thapi's apartment. You can see, guys, the taxi is just in front of the apartment. So we'll leave now. मैं निशा थापी के फ्लैट से निकल गया ये अपार्टमेंट और मैं निकल गया और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मेकिंग आउट अवर वे टू एयरपोर्ट एंड विल रीच आई विल रीच इंशाल्लाह चेन्नई ऑन एट शार्पली 7 AM इन द मॉर्निंग. सो नाउ द टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली नियर 3 AM sharp night and just I'm on my way. So make a dua for me, have a dua. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. लगते मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरी किस्मत बहुत बुलंद है यार. पहाड़ी शरीफ के बाजू से गुजर रहा हूँ मैं. देखो आप लोग ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह, आप देख सकते हैं पहाड़ी शरीफ मेरे आंखों के सामने. सलातु वस्सलाम अलैका या वली अल्लाह. मैंने सोचा भी नहीं था यार मेरे ड्राइवर भैया यहाँ से डालेंगे, अब तो इनको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह. देखो यार सरकार का दीदार करा दिए, माशाल्लाह क्या बात है. बाप रे या अल्लाह, हुज़ूर शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में. अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर भैया ने यहाँ से ला लिया यार, क्या बात है. सरकार अस्सलाम वालेकुम. ये पहाड़ी शरीफ शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ज़ियारत कराऊंगा आपको इंशाल्लाह जल्दी. बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हैदराबाद के. मेरी पैदाइश जिस दिन पैदा हुआ उस दिन हजरत के उर्स का दिन आता है. देख सकते हैं हम लोग राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और अब मैं ऐसे तमिलनाडु चेन्नई की फ़्लाइट लूँगा, बोर्ड हो जाऊँगा 5 बजे इंशाल्लाह. बाकी शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का दीदार हो गया, क्या करम नवाजी है कि इधर भी एक तरफ सहाबा इकराम का दीदार होगा और एक तरफ आले रसूल का दीदार करके जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. दुआ फरमा फुल्लाबाद शरीफ के तमाम लोग, हाफिज़ अज़हर साहब. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ, एयरपोर्ट हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट. शमशाबाद एरिया में लोकेटेड है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ 4 जून को यहीं से अम्मी के साथ रवाना हुआ था नागपुर, और फिर अभी लौटा तो यहीं पे आया था, फिर से यहीं से जा रहा हूँ. एक हफ्ते में हैदराबाद से काफ़ी सारी फ्लाइट्स हो रही है. तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट आ चुका है, बहुत खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, बहुत प्लीजेंट लुकिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर. देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह. भैया आपका QR बता दीजिए. अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद एयरपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो आपको पिछले बार ही बताया था ऐसे मशीन्स लगे रहते, तो आप यहाँ से अपना बोर्डिंग पास ले सकते PNR बुकिंग डाल के. PNR नंबर डाल लेना तो मैंने अपना PNR नंबर डाल दिया हूँ, मशीन रहते बोर्डिंग पास के लिए. कंटिन्यू कर देते हैं, ये आ गया मेरा नाम, सेलेक्ट किया कंटिन्यू. यहाँ से आप सीट्स भी चेंज कर सकते हैं. रिटर्न फ्लाइट की बात कर रहा था वो, तो मैंने इसमें डाल दिया. उसमें बता रहा है कि आप कोई भी कोरोसिव सब्सटेंस वगैरह नहीं लेके जाना. तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद एयरपोर्ट पे देखो बोर्डिंग पास जनरेट हो रहा है, प्रिंट बोर्डिंग पासेस. तो ये आ जाएगा बोर्डिंग पास, ये देखो भाई कितना आसान हो गया आजकल, है ना अल्हम्दुलिल्लाह.
बोर्डिंग पास ले लिया आप सिक्योरिटी चेक की तरफ। क्या किया, ये काउंटर पे जाके बोर्डिंग पास ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि प्रिंट भी कराया क्योंकि वो कभी कभी स्कैन नहीं होता प्रिंट वाला, इसलिए ये ले लिया। फिर सिक्योरिटी चेक हो गया। एयरपोर्ट पे शॉपिंग एरिया बहुत होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती है, आप जो चाहे वो यहाँ से शॉप कर सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा होता है। देखो लेडीज़ के पर्स गेस्ट कंपनी ब्रांडेड कंपनी के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ रहता है। कपड़े तो बहुत महंगे होते हैं, आप देख सकते हैं कपड़े वगैरह बहुत महंगे होते हैं पूरे ब्रांडेड। हैदराबाद एयरपोर्ट आज 11 जून 2022, अब कुछ देर में चेन्नई। सकते हैं यहाँ पे कराची बेकरी भी हैं, फिर शॉप्स तो बहुत सारे, लेडीज़ के भी बहुत सारे शॉप्स है, पूरा लंबा ही लंबा रहता है यार, इतना कितना घूमोगे आप। और यहाँ पे लेडीज़ के पास HI डिज़ाइन एटेलर कंपनी के, ये बहुत ब्रांडेड रहते हैं और बहुत महंगे। वो देखो वो वाला मैंने पूछा था पिछली बार आयशा के लिए, खैर ये वाला, ये बहुत महंगा है, 15-15, 20-20 हज़ार के, 10-10 हज़ार की पेन, विलियम पेन, आप देख सकते सिर्फ पेन का शोरूम है। ये देखिए 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 1-1 लाख तक मिलते हैं। गॉगल्स ब्रांडेड मॉन्ट ब्लैंक कंपनी के, फिर स्पोर्ट्स गॉगल लेना है मेरे को मॉन्ट ब्लैंक का, बाद में लूँगा, लेकोस्टे के कपड़े, फिर गो कलर्स, बहुत सारा ऐसा लंबा चौड़ा। ये देखो डैमिलानो का इटालिया पर्स वगैरह ऐसा है, ये रेस्टोरेंट वगैरह। तो ऐसा है भाई, आप देख सकते कुछ इस तरह से होता है हमारी इंडिगो फ्लाइट के एयर होस्टेस। शूज़ का भी शोरूम पॉश डिज़ाइन के अल्हम्दुलिल्लाह, सब महंगे महंगे ब्रांडेड आइटम्स। इतने पब्लिक है, सब लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। अभी देखो आप, अभी ये सब लोग बोर्ड हो जाएंगे, पुणे की फ्लाइट में जा रहे हैं लोग। और आप देख सकते हैं अब ये पूरा खाली हो जाएगा एरिया, फिर इनके बाद और दूसरे आएंगे। बोर्डिंग का टाइम हो गया है पूरा, तो देखो वॉच का शॉप, पूरी घड़ी है महंगी महंगी। बोर्डिंग का टाइम हो गया है, बोर्डिंग गेट सामने है। देखो यार एयरपोर्ट पे कितने पैसेंजर्स हैं, और ये एयरपोर्ट पे बहुत सारे फ्लोर्स भी है, तो वो पूरा पब्लिक तो बहुत ज़्यादा चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गया, वो बोर्ड हो गया चेन्नई की फ्लाइट के लिए। देखो मेरी सीट आजू बाजू के पूरे खाली है, फ्लाइट में बिल्कुल कम लोग है ये वाली फ्लाइट में, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, 100 के करीब है।
टेक ऑफ के टाइम पे प्लेन के लाइट्स बंद हो जाते हैं।